हेलो गाइड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। ये हमारा होम ट्यूशन थर्ड ब्रांच है, कंटिन्यूस डेली के अकॉर्डिंग। ये हमारा स्टूडेंट है, आज हम इनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। ये फेवरेट स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है। नाम क्या है आपका, बोलो। माय नेम इज लच कुशवाहा। गुड, लच कुशवाहा। तो इनसे हम कहें कि आप मम्मी से लव करते हो, तो कहें कि हाँ। उसके बाद हमने इनसे कहा कि आप कैसे लव किया जाता है, तो इनको हमने कहा कि सेंटेंस, आप एक दो सेंटेंस बोलो तो आपको मैं प्राइस दूंगा। तो तुरंत बच्चे जो होते हैं, थोड़ा प्राइस सुनते ही कुछ खाने की बात होती है, बड़ा एक्टिव हो जाते हैं। तो आप बताओ लच्छ, क्या कैसे बताओ, सेंटेंस क्या बोलो। हाँ, और ओके गुड। और देखिए, और एक सेंटेंस बोलो हमारे थोड़ा गाइड्स को बताओ। और माइंड सोचो, माइंड सोचो, और क्या बोल सकते हो, क्या बोलोगे और बोलो। देखो ये थोड़ा हमारे स्टूडेंट, देखो जब बच्चे में क्या होता है, थोड़ा सा उनके अंदर खाने की बात तुरंत आती है, तो वो इतना एक्टिव हो जाते हैं। कैसे देखो, दिमाग उनका काम करने लगा, बोला क्या, प्लीज़ गिव मी इरेजर, बताइए कितना अच्छा सेंटेंस बोला। और दूसरा पहला सेंटेंस तो थोड़ा सा नहीं अंडरस्टैंड हो पाया। हाँ, मतलब कुछ देखिए क्या होता है, जब बच्चा क्या होगा इसी तरीके से क्या होगा। कोई देखिए स्पोकन होता है, कोई कहीं से रट के नहीं आता है, बस होता है वो थोड़ा ट्राई करे। ट्राई करने से क्या होता है, उसको सीखने की आदत होगी। हाँ, तो हम यही आप घर में सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को ज़्यादातर क्या हो, उनको इंग्लिश में वर्ड यूज़ करें, जिससे क्या होगा, क्योंकि CBSE बोर्ड से अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट हो। अगर अदरवाइज आप भी घर में, क्योंकि बच्चा जो होता है, क्योंकि स्कूल में तो 4-5 आवर्स घर स्कूल में रहते हैं, और घर में तो पूरे ऑल टाइम रहते हैं, जिससे अब पेरेंट्स क्या होंगे यूज़ करेंगे, तो उनसे उनके दिमाग में वो चीज़ें पुटअप होंगी, जिससे क्या होगा, बच्चा जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगले हम नेक्स्ट बैच मिलते हैं आपसे।